नसीर का माना है मददगार का लफ्ज नसर से है मदद देना सपोर्ट करना खूसन दुश्मन के मुकाबले में अल्लाह सुबहान बंदों के लिए काफी है हर उस बंदे के लिए जो उस पर भरोसा करे जो उससे मदद हासिल करे जो उसके पास पनाह ले क्योंकि वही है जो खौफ जदा के खौफ को अमन से बदल सकता है वही है जो पनाह मांगने वाले को पनाह देता है वही बेहतरीन मौला और बेहतरीन मददगार है जो उसके साथ दोस्ती लगाता है उससे मदद चाहता है उस पर भरोसा करता है वो कुल्ली तौर पर उसका हो जाता है अल्लाह सुबह भी उससे दोस्ती करता है उसकी हिफाजत देता है उसको महफूज रखता है जो उससे डरता है और उसका तकवा करता है उसे वो खौफ से अमन देता है और जिन चीजों की उसको जरूरत होती है जो उसके फायदे की चीजें होती हैं वो उसको मुहैया करता है अता करता है अल्लाह सुबहान अपने बंदों के लिए अपनी इस मदद का वादा किया है बेशक हम अपने रसूलों की भी जरूर मदद करेंगे और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए इस दुनिया में भी और जिस दिन गवाह खड़े होंगे

और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है ना मददगार यानी बाकी जितनी भी दोस्तियां हैं और जितनी भी इंसानों की ये किसी भी और की कोई मदद हो सकती है वो सब सब की सब आर्जी है और उसी वक्त होती है जब अल्लाह का इजन हो फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान अपने मोमिन बंदों को तसली देते हैं कि अगर दूसरे तुमसे मुंह मोड़ जाए अपनी मदद से हाथ उठा लें तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है और अगर वो मुंह मोड़ ले तो जान लो कि यकीनन अल्लाह तुम्हारा दोस्त है वो अच्छा दोस्त और अच्छा मददगार है हकीकत यह है कि मदद करने का पूरा इख्तियार अल्लाह व तआला के पास है वो जब जहा जैसे भी चाहे मदद कर सकता है उसे मदद करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं क्योंकि सारे का मालिक वो खुद है और अन्नसीर वो होता है, जो अपनी मदद के साथ जिसकी चाहता है मदद करता है और जिसकी वो मदद करे उस पर कोई गालिब आ ही नहीं सकता और जिसको वो छोड़ दे उसकी कोई मदद कर नहीं सकता अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं कुम्लाह फला गालिब लकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता वो मिन सुरबादी और अगर अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे वो तुम्हारी मदद ना करे तो कौन है फिर वो जो इसके बाद तुम्हारी मदद करेगा और हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहान ताला अपने मोमिन बंदों की मदद करता है जब वो अपने रब के लिए खालिश हो जाते हैं अल्लाह सुबहान ईमान को और अपने हबीब मोहम्मद सल्लाह वसलम को कुरान मजीद में बारहा अपनी मदद की यकीन दहानी करवाते हैं सुरत अल्फत में फरमाते हैं ओंसुर नसर न आजीजा और ताकि अल्लाह तेरी मदद करे जबरदस्त मदद यानी इस वक्त बजा हालात मुखालफत में जा रहे हैं लेकिन अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है और अपने वक्त पर वो जरूर आ जाएगी जिस तरह पिछले रसूलों के साथ हमेशा अल्लाह की मदद आई सूरत फरमायाबल फजाउ बिल बनाती फन तक अजरम अलइना निला शुबा यकीनन हमने तुमसे पहले कई रसूल उनकी कौम की तरफ भेजे यानी रसूलों का सिलसिला अब्बल रोज से जारी है लोगों की हिदायत के लिए जो उनके पास वाज लेकर आए लेकिन लोगों ने फिर तो तनहा नहीं छोड़ दिया फरमाया फिर हमने उन लोगों से इंतकाम लिया जिन्होंने जुर्म किया और मोमिनों की मदद करना हम पर लाजिम था यह हम पर हक था कि हम अपने बंदों की मदद करते और हम देखते हैं कि किस तरह हिजरत के मौके पर अल्लाह सुबहान तला ने नबी सल्लाम की मदद फरमाई फरमाया तमसरू फकत अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो अल्लाह सुबह ने तो पहले भी उसकी मदद फरमाई थी यानी मोहम्मद सल व्म की कब इखरजी जब उसको उन लोगों ने निकाल दिया जिन्होंने उसका इनकार किया और ये उस वक्त मदद आई जबकि वो दो में दूसरा था नहीं सिर्फ दो लोग थे जब वो दोनों गार में थे जब अपने साथी से कह रहे थे गम न कर इन अल्लाह बेशक अल्लाह हमारे साथ है क्योंकि हम हक पर हैं, तो अल्लाह ने अपनी सकीनत उस पर उतार दी सारा खौफ दूर कर दिया और उसे उन लश्करों के साथ कुत दी जो तुम नहीं देख सकते थे और उन लोगों की बात नीची कर दी जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की बात ही सबसे ऊंची है और अल्लाह सब पर गालिब है कमाल हिकमत वाला है इसलिए इंसान को जब भी दुश्मनों का खौफ हो एक साहिब ईमान को जब भी इस बात की परेशानी हो कि दूसरे उसे परेशान करेंगे या उसे कोई नुकसान देंगे तो ऐसे मौकों पर डरना नहीं चाहिए ऐसे मौकों पर लोगों से डरने की बजाय अपने गुनाहों से डरना चाहिए और अपनी इसलाह की तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह का वादा है वक़ा नक्का नई नसरुल उमिन कि हम मोमिनों की मदद करें अल्लाह अपने दोस्तों की मदद जरूर करेगा लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से हम अल्लाह सुबहान तला की दोस्ती के मुस्तक ठहरे फिर अल्लाह सुबहान तला उन लोगों की मदद भी फरमाता है जो मजलूम होते हैं जिन पर दुश्मनों का जुल्म होने लगता है फिर अल्लाह सुबहान तला मजलूमों की मदद भी फरमाते हैं इसलिए किसी पर भी जुल्म करने से परहेज करना चाहिए अल्लाह ताला अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर मजलूम की मदद करने का लाजमी वादा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम की बदुआ से बचो क्योंकि वो बादलों पर उठाई जाती है अल्लाह ताला फरमाता है मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा अगर चे थोड़ी देर बाद करूं असल में होता है कि हम जल्दबाजी करते हैं हम चाहते हैं कि जिस वक्त हम चाहते हैं उस वक्त मदद आ जाए और अल्लाह सुबहान हर काम हिकमत के साथ एक प्लानिंग के साथ करता है और वो ज्यादा जानता होता है कि किस वक्त बंदे को किस चीज की जरूरत है इसलिए इंसान को हमेशा हक का साथ देना चाहिए गुनाहों से परहेज करना चाहिए और गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की मदद का पूरा यकीन रखना चाहिए और अल्लाह ताला का वादा है अल्लाहु अल्लाह जरूर मदद करेगा उसकी जो उसकी मदद करेगा यानी जो उसके दीन की मदद करेगा इसी तरह मजलूम ही क्यों ना हो अल्लाह सुबहान तला को भी ना मानता हो तब भी अल्लाह उसकी मदद करेगा अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम की बददुआ से बचो ये तो चिंगारियों की तरह आसमान की तरफ उठती फौरन फौरन पहुंचती है ऊपर फिर इसी तरह अगर कोई मजलूम इतना कमजोर हो कि अपने हाथ में बोल भी ना सके बात भी ना कर सके खामोश भी हो तो भी अल्लाह सुबहान तला उसकी मदद करता है रसूल सल्लाम ने फरमाया जिस बंदे पर जुल्म हो और वो अल्लाह की खातिर उस पर खामोशी इख्तियार कर ले अल्लाह उसकी मदद जरूर फरमाता है फिर इसी तरह यह है कि अगर कोई जालिम अपने किसी करीबी शख्स पर जुल्म कर रहा हो और वो जवाबन बदला न ले सकता हो। तो अल्लाह सुबहान उसकी जरूर मदद करेगा अमार बिन यासिर से मल है कि अगर कोई शख्स अपने गुलाम को जुल्मन मारे पीटेगा तो क्यामत के दिन उसे इसकी वजह से बेड़ियां पहनाई जाएंगी यानी जालिम को अल्लाह सुबहान छोड़ेगा नहीं लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया में बाजात अल्लाह सुबहान तलािमों को मोहलत दे देते इसलिए अल्लाह ने हर एक को उसको जो भी सलाहियतें या जो भी इख्तियार दिए हैं उनको आजमाने का मौका भी दिया है। लेकिन दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है इसमें अगर कोई जुल्म करता भी है तो वो ये ना समझे कि वो हमेशा के लिए छूट जाएगा रसूल सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तलाम को चंद रोज दुनिया में मोहल्लत देता है लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता फिर आपने शायद की तिलावत की वह कदा अख दूर कावर दिगार की पकड़ बहुत सख्त है वो ऐसी है कि जब वो किसी बस्ती वालों को पकड़ता है जो अपने ऊपर जुल्म करते रहते हैं और जुल्म से मुराद यहां गुनाह करते रहते हैं अल्लाह की नाफरमानिया करते रहते हैं एक दूसरे पर जातियां करते रहते हैं बेशक उसकी पकड़ बड़ी तकलीफ देने वाली है और बड़ी ही सख्त है जहां वो बहुत मेहरबान है वहां वो जालिम की पकड़ भी बहुत अच्छी तरह कर सकता है और वो करता है फिर इसी तरह बाजुकत इंसान को कोई इख्तियार मिल जाता है उसके पास कोई पावर होती है कोई ताकत होती है तो वो भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई बड़ा मौजूद है और वो किसी की निगाह में है और उसकी सारी हरकत देखी जा रही है और इस पर पकड़ भी हो सकती है अल्लाह से बाहर ताला जब किसी बंदे को इख्तियार देता है ताकत देता है कोई अथॉरिटी देता है तो बाजत इंसान ये भूल जाता है कि उसे इसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके पर करना है और ये भूल जाता है कि उसके ऊपर कोई और भी है जो उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा है उस पर निगहमान है निगरान है ऐसा ही एक मामला नबी सल्ला की खिदमत में पेश किया गया एक साहबी आपके सामने आकर बैठे कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कुछ गुलाम हैं वो मुझसे झूठ बोलते हैं खयानत करते हैं चोरी वगैरह कर लेते हैं मेरा कहना भी नहीं मानते तो मैं इस पर उन्हें मारता हूं बुरा भला कहता हूं तो मेरा उनका क्या मामला होगा ये मामला कैसा रहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी खयानत झूठ नाफरमानी और तुम्हारी दी हुई सजा का हिसाब लगाया जाएगा अगर तुम्हारी सजा उनके जराय से कम हुई तो वो तुम्हारे हक में बेहतर होगी और अगर तुम्हारी सजा उनके गुनाहों के बराबर निकली तो मामला बराबर हो जाएगा और अगर तुम्हारी सजा उनके गुनाहों के मुकाबले में ज्यादा होगी यानी तुमने ज्यादती की तो फिर उस पर तुमसे बदला लिया जाएगा मैंने कहा अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें इख्तियार दिया है लेकिन अल्लाह सुबहान तला के सामने तुम्हारा ये अख्तियार तुम्हारे काम न आएगा फिर वसल्लम के सामने वो शख्स रोने लगा चिल्लाने लगा नबी फरमाया इसे क्या हुआ क्या ये आयत नहीं पड़ता नो कफा बिना हासीबिन और क्यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू कायम करेंगे किसी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा और वो राई के दाने के बराबर भी हो तो हम उसे सामने ले आएंगे यानी इतना बारीक हिसाब होगा कि अगर किसी के हिस्से में राई के दाने बराबर भी जुलम आया तो उसका भी हिसाब होगा उस पर भी, भी पूछोगी और हम हिसाब करने के लिए काफी हैं इसलिए इंसान को दुनिया में बहुत एहतियात के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए किसी पर भी ज्यादती करने से बचना चाहिए खा हाँ वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो बाओक वालदे को अपने बच्चों पर उनकी किसी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें सजा देने लगते हैं और वो सजा उनके कसूर से बढ़ जाती तो ऐसा नहीं चूके वो हमारे बच्चे हैं इसलिए हमें खुली छुट्टी मिल गई कि हम उन पर जो चाहे ज्यादा करें उस पर भी पूछ होगी उस पर भी पकड़ होगी इसलिए जरूरी है कि इंसान इस दुनिया में हर तरह के जुल्म करने से बचे याद रखिए कि क्यामत के दिन का जब सब हिसाब किताब हो चुका होगा लोग पुल सराद भी पार कर जाएंगे और जन्नत के बिल्कुल करीब होंगे उस वक्त भी एक और पुल पर उनको रोक लिया जाएगा जिसका नाम पंतरा है और उस वक्त सब जो जन्नत में जा रहे होंगे उनका भी हिसाब बराबर किया जाएगा वो भी एक दूसरे की माफी तलाफी करेंगे और उनके दिलों को धो डाला जाएगा ताकि जब जन्नत में दाखिल हो तो कोई किसी पर जुल्म करने वाला ना और किसी के दिल में किसी के खिलाफ कोई कुदूरत ना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिनों को दो से निजात मिल जाएगी तो उन्हें एक पुल पर जो जन्नत और दो के दरमियान होगा रोक लिया जाएगा और वहीं उनके मजालिम का बदला दे दिया जाएगा जो वो दुनिया में बाहम करते थे फिर जब पाक साफ हो जाएंगे तो उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाजत दी जाएगी इंसान तो इंसान जानवरों पर जुल्म का भी बदला लिया जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे वो गुनाह माफ हो जाए जो तुम जानवरों पर करते हो तो बहुत से गुनाह माफ हो जाएंगे आजकल तो लोग गाड़ियों वगैरह में सवारी करते हैं लेकिन पहले जमाने में लोग गधे घोड़े खच्चर ऊंट वगैरह पर सवारी करते थे और आज भी बहुत सारे लोगों का जानवरों के साथ वास्ता होता है बाजोकत गाय भैंस वगैरह से भी ऐसी सूरत में बाजुकात जब उनकी सरकशी सामने आती है या उनको कंट्रोल करना होता है या फिर वैसे ही बाजुकात लोग बगैर एहतियात के खुदा खौफी के बगैर उनके ऊपर जाति करते हैं, बात मारपीट करते हैं, बाजुकात भूखा रखते हैं प्यासा रखते हैं बाजुकात उनकी हिम्मत सकत से ज्यादा उनसे काम लेते हैं ये सारी चीजें जानवर पर जुल्म में आती है। और क्यामत के दिन इनका भी हिसाब देना होगा रसूल ने फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया जिसे उसने बांध रखा था यहां तक कि वो मर गई हाँ कोई चिड़िया परिंदा हो या कोई और जानवर हो हत्या की च्यूटिया वगैरह उनको भी बिलावजा नहीं मारा जा सकता और आग का अजाब तो दिया ही नहीं जा सकता कि किसी भी जानवर को इंसान आग में जला दे या उसके साथ कोई ज्यादा करे इंसान के ऊपर हर जी रूह का हक है जिसके अंदर भी तर जिगर है जिसको भी तकलीफ पहुंचती है उसके लिए हमारे दिलों में रहम होना चाहिए फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान ताला अपने बंदों की परेशानियों और मुश्किल में उनकी मदद करने वाला है लोगों को बुराइयों से निकालने पर उनकी मदद करने वाला है रसूल सल्लाम ने फरमाया तीन आदमियों की मदद करना अल्लाह ताला की जिम्मा है नंबर एक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला नंबर दो वो गुलाम जिसने अपने मालिक से आजादी के लिए माहिदा किया हो और वो अदायगी की नीयत रखता हो और तीसरे बुराई से बचने की नीयत से निकाह करने वाला तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों की मदद फरमाते हैं फिर तो इसी तरह जो शख्स बागदामनी इख्तियार करना चाहे और जो बचना चाहे यानी सवाल से तो अल्लाह सुबहानी उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं रसूल अल्लाह सल्ला ने फरमाया जो शख्स सवाल करने से बचता है तो अल्लाह तला भी उसे सवाल करने से महफूज ही रखता है यानी उसके सवाल के बगैर ही उसकी जरूरत पूरी कर देता है जो शख्स बेनियाजी बरतता है यानी लालच नहीं रखता हिर नहीं रखता और ऐसा करना उसको पसंद नहीं तो अल्लाह सुबहान तला भी उसे बेनियाज कर देता है और जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर सब्र करता है यानी बहुत मुश्किल से सब्र करता है अल्लाह ताला उसे भी सब्र अदा कर देता है फिर इसी तरह जो शख्स कर्ज अदा करने की नीयत रखता है अल्लाह ताला उसका कर्ज अदा कर देता है उसकी जिंदगी में भी और उसकी मौत के बाद भी अजहर जाबिर कहते हैं कि उनके वालिद शहीद हो गए जंगे उहद में और उस वक्त वो मकरूज थे तो मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ मैंने अर्ज किया कि मेरे वालिद अपने ऊपर कर्ज छोड़ गए और इधर मेरे पास उस सेवाए उस पैदावार के जो खजूरों के दरख्तों से आती है कोई चीज नहीं कि जिससे मैं उनका, उनका कर्ज अदा करूं और अगर मैं सिर्फ इस पैदावार से उनका कर्ज अदा करूंगा तो सालों में भी नहीं कर सकूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्म को उन पर रहम आया इसलिए आप सल्लाह उनके साथ चल दिए और आप सल्लाह ने कर् खाहों को भी बुला लिया फिर आपने वो सारी जमीन की पैदावार एक जगह इकट्ठी की और उसके ढेर बना दिए और फिर आप उसके चारों तरफ चले और दुआ करते रहे उसके उसके बाद आप उसके पास बैठ गए और आपने फरमाया कि ये निकालकर इनको देना शुरू करो जितने भी कर्ज लेने वाले सबको दो तो वो देते गए जाबिर कहते हैं कि सारा कर्ज अदा हो गया और जितनी खजूरें कर्ज में दी थी उतनी फिर बच गई यानी कर्ज चुकाने के बावजूद फिर बच गया क्योंकि नीयत अच्छी थी इसीलिए हजरत आयशा लोगों से बाज़ुकत कर्ज लेती रहती थी किसी ने उनसे पूछा कि आप कर्ज क्यों लेती हैं कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स की नीयत कर्ज अदा करने की हो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है और उसकी मदद उसके शामिल हाल रहती है और मैं चाहती हूं कि मुझे इस तरह अल्लाह की मदद हासिल यानी जब वो गरीबों की मदद करना चाहती थी हजरत अस्मा और हजरत आशब बहुत सदका पसंद करती थी बात उनके पास खुद अपने कुछ नहीं होता था तो वो कर्ज लेकर मदद कर दिया करती थी लोगों की तो इसी पर उनसे पूछा गया कि आप क्यों कर्ज लेती जब आपके पास नहीं तो आप मदद ना करें तो उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह सुबहान ताला की मदद आती है उस शख्स के पास जो कर्ज देने की नीयत रखता हो तो मैं अल्लाह की मदद हासिल करना चाहती तो अल्लाह सुबहान ताला उस शख्स की मदद करता है जो वाकई खालिस नियत रखता है फिर इसी तरह यह है कि अल्लाह सुबहान तसिर है जो अपने अंबिया की अपने दोस्तों की उनके दुश्मनों के खिलाफ मदद करता है अल्लाह ताला फरमाते हैं, तलामाते इन नसुलना वीना फिलहत दुनिया वयोम अशाद बेशक हम अपने रसूलों की और उन लोगों को जो ईमान लाए जरूर मदद करते हैं दुनिया की जिंदगी में भी और उस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे फिर अल्लाह तला ईमान वालों को दुश्मन के खिलाफ कुत देकर मदद करता है फिर इसी तरह अल्लाह तला अपने अहली ईमान बंदियों की भी हिफाजत करता है जिस तरह अल्लाह सुबहान तला ने हजरत सारा की इज्जत की हिफाजत की जब एक झालिम बादशाह ने उनको कैद कर लिया और उन पर दराजे की कोशिश की तो उसका हाथ एकदम हिलने जुलने से रह गया वो परेशान हुआ उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तुम दुआ करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए जब फिर ठीक हुआ उसने फिर इरादा किया कि तीसरी अटेम्प्ट में जब उसने देखा कि अल्लाह सुबहान तौला की मदद इस खातून के साथ है तो उसने न सिर्फ ये हजरत सारा को आजाद कर दिया बल्कि उनके साथ हजरत हाजरा को भी बतौर तोहफा दिया तो अल्लाबहान अपने सच्चे मुखलिस और ईमान वाले बंदों की हर हाल में मदद करता है और अल्लाह सुबहाना ने इसे अपने जिम्मा ले रखा है सिर्फ जरूरत ईमान को हम खालिज कर ले फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान शैतान के खिलाफ भी हमारी मदद करता है जब हम वाकई सही ईमानों में अल्लाह का दामन थाम लेते हैं की मदद हासिल करते हैं अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेते हैं इब्न कम कहते हैं तुमने अल्लाह को मजबूती से थामा तो वो तुम्हारे नफसों के खिलाफ और शैतान के खिलाफ तुम्हारा मौला और मददगार है वो अन नसीर है तुम्हारा यानी जब इंसान ये कहता ना अल्लाहबी का मिनशर्र नफसी व मिनशर्र शैतानी व शरकी ही अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं तेरी मदद चाहता हूं अपने नफ्स के शर से बचने के लिए और शैतान के शर और उसके जालों से बचने के लिए और उसके शिरक से बचने के लिए अपने आप को तेरे हवाले करता हूं तो ऐसा शख्स अल्लाह की मदद पाता है और फरमाया कि ये दोनों बंदे के वो दुश्मन है जो बंदे से कभी जुदाई नहीं होते यानी इंसान का नफ्स भी साथ है और शैतान भी साथ है तो बाहर के दुश्मन तो कभी कभी हमला आवर होते हैं ना लेकिन जो शर बंदे के अंदर ही है वो तो हर वक्त उससे साथ है और उसके खिलाफ मदद लेना बहुत जरूरी है और हर वक्त मदद चाहिए होती और ये मदद अल्लाह सुबहान देता है जो अन इसी तरह अल्लाह सुबहान तला ने शैतान की दुश्मनी के बारे में हमें मुकम्मल खबर भी दी है और ये भी उसकी मदद है दरअसल सूरत यासीन में आता है अलम आहद इलाई या बनी आदम अल्लाह ताबुद्शैतान हादा अदल्ल क्या मैंने ताकीद न की थी आदम। कि शैतान की इबादत न करना यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और ये कि मेरी इबादत करो ये सीधा रास्ता है और बिला शबा यकीन उसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया तो क्या तुम समझते नहीं फिर इसी तरह शैतान के खिलाफ फरिश्तों की मदद भेजकर अल्लाह सुबहान ताला मदद फरमाता है इसी तरह यह बात भी याद रहे कि अल्लाह सुबहान तला शैतान के खिलाफ फरिश्तों की मदद भेज कर भी अपने बंदों की मदद करता है इसी तरह ये बात भी याद रहे कि अल्लाह सुबहान ताला शैतान के खिलाफ फरिश्ते भेजकर भी मदद फरमाता है एक मरतबा का वाक है कि एक रात बहुत से शैतन और जिन्नात उतर उतर कर वादियों और घाटियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनमें से एक शैतान के हाथ में आग का शोला था और उसका इरादा था कि वो इस शोले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को जलाए तो इतने में फौरन सलाम आसमान से उतर आए और आकर कहने लगे कि वसल्लम फरमाइए नबी वसल्लम ने पूछा कि क्या कहूं उन्होंने कहा कि आप कहिए कि मैं अल्लाह की मुकम्मल ताम सिफात के जरिए इन तमाम चीजों के शर से पनाह मांगता हूं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया है जिन्हें अल्लाह ने वजूद अता किया है और मौजूद किया है उन तमाम चीजों के शर से जो आसमान से उतरती है और जो आसमान की तरफ चढ़ती हैं और रात और दिन के फितनों के शर से और रात को हर आने वाले के शर से सिवाय उसके जो खैर के साथ आए अरहमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कलिमात के पढ़ते ही उनकी आग बुझ गई और अल्लाह ने उन्हें शिकस्त से दो चार कर दिया बहुत ही बेहतरीन कलिमात है और हिफाजत की एक बेहतरीन दुआ है कि जो ऐसी चीजों के शर से भी इंसान को महफूज रखती है जो इंसान को बाजों का नजर भी नहीं आती लेकिन यहां ये बात याद रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह की मदद नहीं आती अल्लाह सुबहान ताला उनको उनके हाल पे छोड़ देता है कुरान मजीद में अल्लाह तला फरमाते हैं वकाल अल मसीह या बनी इसराइल अब रबी और अब्बकुम जबकि मसीह ने यह कहा था ए बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है इन नम अल्लाह जन्ना क्योंकि जो शिरक करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है वाहनार और उसका ठिकाना आग है उमा नमिन अनुसार और ालिमों का कोई भी मददगार नहीं यानि जो लोग शिरक करे और जुल्माए अल्लाह सुबह उनकी मदद नहीं फरमाता फिर इसी तरह जो नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके उसकी मदद भी नहीं होती उसकी दुआ कबूल नहीं होती हजरत आयशा से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तश्रीफ लाए तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से महसूस हुआ कि आपकी तबीयत में कुछ घुटन है आपने वजू किया और किसी से भी बात किए बगैर वापिस चले गए मैंने हुजरों के करीब होकर सुना तो नबी वसल्लम ये फरमा रहे थे लोगो अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो इससे पहले कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी दुआएं कबूल ना करूं तुम मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हें कुछ अता ना करूं और तुम मुझसे मदद मांगो और मैं तुम्हारी मदद ना करूं अमूमन इंसान बुराइयों पर बाजों तनकीद तो कर देता है लेकिन उन लोगों के सामने नहीं करता जो बुराई कर रहे होते हैं बास बुराइया इंसान के सामने होती इंसान उनको देख रहा होता है तो उसके ईमान का तकाजा होता है कि उस बुराई को बुरा समझे और उस पर रोकने की भी कोशिश करे जितनी भी उसमें इस्तात हो तो जिस शख्स के अंदर ताकत हो इस्तात हो और फिर वो ना रोके तो अल्लाह सुबहान तआला उससे नाराज होता है लेकिन अगर किसी में इस्तात ही नहीं ना हाथ से रोकने की ना जबान से रोकने की क्योंकि वो अपनी पोजीशन को बहुत ही कमजोर पाता है ऐसी तो सूरत में इंसान बुराई को दिल से जरूर बुरा जाने क्योंकि इसके बाद तो ईमान का जर्रा भी बाकी नहीं रहता बुराई के दाने बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता अल्लाह सुबहाना ने मुस्लिम माशरे के अंदर एक ऐसी रोक लगाई है कि जिसमें सब एक दूसरे की खैर खाही करें सवाल ही पैदा होता है कि किसी को बुराई से रोका क्यों जाए उसकी भलाई में उसके फायदे में और बाकी सबके भी फायदे में क्योंकि जब एक शख्स बुरा कर रहा होता है और उसको खुली छूट मिल जाए तो वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं अपने आसपास के सारे लोगों पर जुल्म कर रहा होता है तो उसको उस जुल्म से रोकना बहुत जरूरी है फिर इसी तरह जो शख्स अल्लाह की मदद से मायूस हो जाए अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए अल्लाह ताला उसकी मदद भी नहीं करता इसीलिए कहा ना तख्ने तू महमत अल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो इन्कम्दनू व जमिया अल्लाह सारे को नाम माफ कर सकता है लेकिन जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए फिर वो अल्लाह से दुआ भी नहीं करते तो नहीं रखते वो क्या समझते अल्लाह तला कुछ नहीं कर सकता नउुजुबिल्ला और ये ये बात यानी मायूसी जो है ये बात कुफिर की बात है कि इंसान ये सोचे कि अल्लाह तला मेरी मदद नहीं करेगा नहीं अल्लाह सुबहानो ता हर तरह की मदद करने पर कादिर है जरूरत इस बात की है कि इंसान अल्लाह की मदद मांगे और हर नमाज में हम ये कहते हैं इया का नाबुदू व ईया का नस्तिन सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते हैं यानी हर मुश्किल में हर आजमाइश में हर तकलीफ में हर नेकी के काम की तोफीक में अः अल्लाह हम तेरी मदद चाहते है फिर तो इसी तरह जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह ही असल मददगार है और वो ईमान वालों की मदद करता है और मजलूमों की भी मदद करता है तो फिर हमें इस नाम के साथ उसको पुकारना चाहिए क्योंकि वो अली उल हसना फदा अल्लाह के लिए हैं सब अच्छे अच्छे नाम इन नामों के साथ उसको पुकारो उससे दुआ करो उससे मांगो और जितने यकीन के साथ इंसान दुआ करता है उतनी ही कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है जैसा कि हम देखते हैं कि कुरान है मुख्तल मौके पर अल्लाह के दोस्तों को जब कोई मुश्किल आई तो उन्होंने अल्लाह सुबहान से दुआ की और बराह रास्त की मदद तलब की मसलन जब तालुद जालूद के मुकाबले में आया तो उस वक्त उन सब ने अल्लाह सो दुआ की उसका जिक्र सूरत बकरा में आता है जनू दी

जंग बदर में मोमिनों की तादाद थी और उसके मुकाबले में जालूत बहुत सख्त किस्म का जाबिर दुश्मन था लेकिन जब अहले ईमान ने पूरे खुलूस के साथ अल्लाह ताला की मदद मांगी तो अल्लाह सुबहान ताला ने मदद फरमाई व मा का ना कहू रब न फिर ना वनू बना व इसरा फनाफी अमरिना वह सब अकदामनाल को और उनकी बात इसके सिवा कुछ न थी कि उन्होंने कहा अः हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे और हमारे काम में हमारी ज्यादा भी बख्श दे और हमारे कदम साबित रख और काफ़िर लोगों पर हमारी मदद फरमा तो अल्लाह सुबहान की मदद आई फिर इसी तरह जब लोग जुटला दें, लोग बात ना माने लोग आपकी हक बात का इनकार कर दें तो उस वक्त भी अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए बाज इंसान ऐसे मौके पर बहुत हल्का पाता अपने आप को और बहुत परेशानी होती है उसको इसीलिए नूअलाम ने अल्लाह सुबह से जब दुआ की तो किस तरह उसने ए मेरी रब, रब तू मेरी मदद फरमा इसलिए मुझे जुटला दिया है एक और जगह पर आता मगलूबर अल्लाह में मगलूब हो गया इन्होंने मुझे दबा लिया है अब तू ही बदला ले तू ही मदद फरमा फिर इसी तरह जब कहीं पर फसाद हो फितना हो और इंसान को कुछ सूझ ना रहा हो कि करना क्या चाहिए क्योंकि का हालात इतने मुश्किल हो जाते इंसान को यह भी समझ नहीं आती कि दुआ करे तो क्या करे तो उस वक्त भी अल्लाह ताला की मदद मांगनी चाहिए कॉल और सुरनी आल अल कौमिल मुफ्सिदीन उसने कहा अ मेरे रब मुफ्सिद लोगों के खिलाफ मेरी मदद फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह ताला की मदद मांगते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में न रखा करो वो कोई अच्छी चीज नहीं है बल्कि अल्लाह ताला से अमन और आफियत की दुआ किया करो हाँ अगर दुश्मन के साथ मुठभेड़ हो जाए मुकाबला हो तो फिर सब्र और इस्तकाम का सबूत दो याद रखो जन्नत तलवारों के साय में है इसके बाद आपने यूं दुआ की अल्लाह मुंजिल किताब वह मुजरिया साहब वह नाजिल करने वाले बादलों के भेजने वाले जिसकी इतनी बड़ी ताकत है अहजाब यानी दुश्मन के दस्तों को शिकस्त देने वाले इन्हें शिक्स्त दे और इनके मुकाबले में हमारी मदद फरमा तो तारीख के वाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लासम की मदद हर मौके पर हुई और अल्लाह सुबहान त उनके दुश्मनों के मुकाबले में उनको सरबुलंदी अता की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से ये दुआ किया करते थे اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما مني وانصرني على من يظلمني وخذ منه अल्लाह तू मुझे मेरे कानों और आंखों से फायदा उठाने का मौका दे इन दोनों को मेरा वारिस बना दे और मुझ पर जुल्म करने वाले के खिलाफ मेरी मदद फरमा और उससे मेरा इंतकाम ले फिर इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अख्ताम पर भी अल्लाह की मदद की दुआ मांग कर उठते थे अजरत उमर कहते हैं कि ऐसा कम ही होता कि रसूल वसल्लम किसी मजलिस से ये दुआ किए बगैर उठे हों अल्लाह मकसिम लना खशियतिका मा याहूलुबई ना वही निक वो मिन तमा तु बल्लुना बिही जन्ना तक ومن اليقين ما تهبن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا فاجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا

और हमें इतना यकीन तकसीम कर दे इतना यकीन दे दे कि हम पर दुनिया की मुसीबतें आसान हो जाए और जब तक हम जिंदा हैं हमारी समाज यानी सुनने की कु्वत और बसारत और कुत से मुस्तफीद कर यानी जो कुछ तूने हमें सलाहियतें दी हैं उनसे हमें पूरा पूरा फायदा उठाने की तोफीक दे और उसे हमारा वारिस कर दे अल्लाह हमारा इंतकाम उसी तक महदूद कर दे जो हम पर जुल्म करे हमें दुश्मनों पर गलबा अता फरमा हमारे दीन में मुसीबत नाजिल न ना फरमा और दुनिया को हमारा असल मकसद न बना और न दुनिया को हमारे इल्म की इंतहा बना कि हमारा इल्म सिर्फ दुनियावी ूमी से मुतल ना हो और हम पर ऐसे शख्स को मुसलत न कर जो हम पर रहम न करे तो जिस बंदे को अल्लाह सुबहान तफत का यकीन हो जाए अल्लाह के इस नाम की मार्फत हो जाए तो फिर उसके अंदर कुछ सिफात पैदा होनी चाहिए उसमें से एक बात यह कि जिस तरह अल्लाह सुभान व बंदे की मदद करता है बंदे को भी चाहिए कि वो अल्लाह के दीन की मदद करे अल्लाह सुभान व फरमाते हैं या अय्युहल लजीना आमनू कुनु अनصار اللہ كما قال عيسى ابن مریم للحواریین من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله

हमारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं तो बनी इसराइल में से एक ग्रोह ईमान ले आया और एक ग्रोह ने कुफर किया वो नहीं माना बात फिर हमने उन लोगों की जो ईमान लाए थे उनके दुश्मनों के खिलाफ मदद की तो वो गालिब आ गए और हम देखते हैं कि ईसी सलाम के मानने वाले उनके न मानने वालों पर गालिब रहे फिर इसी तरह यह है कि इस दीन के रास्ते में अगर इंसान को कोई तकलीफ भी आए उस तो पर सबर करके अपनी सच्चाई का सबूत देना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन लोगों ने हिजरत की जो अपने घरों से निकाले गए उन्होंने हर हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हर उसर में युसर में तंगी में तकलीफ में और कभी वो अपने वादे से फिरे नहीं और कभी इस बात पर पछताए नहीं कि हमने आपका साथ क्यों दिया कि हम पर इतनी मुश्किल आई नहीं क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उनकी मदद जरूर करेगा और ये एक हकीकत है कि मदीना में आने के बाद अल्लाह सुबह ने उनके हालात तब्दील कर दिए मुश्किल जरूर आई लेकिन चंद ही सालों के बाद मक्का भी फतह हो गया और उनके माशी हालात भी दुरुस्त हो गए अल्लाह तला फरमाते लिल फ़रा इहा उजू मंदम अमाल अब तब नंसुरु अल्लाह व रसूल उदिक ये माल उन मोहताज घर बार छोड़ने वालों के लिए हैनीमत का माल जो अपने घरों और अपने मालों से बाहर निकाले गए वो अल्लाह की तरफ से कुछ फजल और रजा तलाश करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं यही लोग हैं जो सच्चे हैं यानी अल्लाह सुबहान तला पर ईमान का दावा तो हर एक करता है लेकिन ईमान के दावे में सच्चा कौन है जो अमल में सच्चा हो और जो दीन की खिदमत में सच्चा हो इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह की मदद पाने के लिए अल्लाह के दीन की मदद का तरीका इख्तियार करनी चाहिए और फिर इसी तरह बंदों की मदद भी करनी चाहिए अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मुसलसल उस बंदे की मदद में रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है नबी वसल्लम ने फरमाया किसी नेकी को हकीर ना समझो अगर चे किसी को एक रस्सी ही दो या किसी को जूती का तस्मा ही दो या अपने डोल में से किसी पानी मांगने वाले को उसके बर्तन में पानी ही डाल दो यानी कुएं से निकाल कर, या रास्ते में से कोई ऐसी चीज दूर कर दो जिससे लोगों को तकलीफ हो रही हो या अपने भाई से खंदा पेशानी से ही मिलो या अपने भाई से मुलाकात करके उसे सलाम करो या जमीन में अजनबी समझे जाने वालों से उनसे मोहब्बत का मुजाहरा करो यानी किसी भी तरह किसी की भी मदद करोगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद आएगी और फिर बाजुकत सामने तो हम सबकी मदद कर देते हैं लेकिन खासतौर पर उस वक्त मदद जब कोई मौजूद ना हो रसूल ने फरमाया जिसने अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसकी मदद की अल्लाह दुनिया आखरत में उसकी मदद फरमाएगा और इस मदद का मतलब क्या है कि जब किसी की इज्जत पर कोई बात हो रही हो किसी के खिलाफ कोई बात हो रही हो तो इंसान उसका दिफा करे फिर इसी तरह दूसरों के दुख और परेशानी को दूर करे नबी सल्लाम ने फरमाया जिसने किसी मुसलमान से दुनिया का एक दुख दूर किया अल्लाह ताला उससे क्यामत के रोज का एक दुख दूर करेगा और जिसने किसी मुश्किल में पड़े शख्स के लिए आसानी की अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखरत में आसानियां करेगा और अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है तो अल्लाह नसीर की मदद हासिल करने के लिए हमें अल्लाह के बंदों की मदद करनी चाहिए फिर किसी का बोझ उठाने में उसकी मदद देना अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को जानवर पर सवार होने में मदद फराहम करना या उस पर किसी का सामान लाद देना भी सदका है कर्ज के मामले में आसानी देना लोगों की माली मदद करना फिर मदद करने वाले की मदद करना फिर इसी तरह अगर किसी को सजा भी देनी पड़े तो अच्छी दुआ से उसकी मदद करना अबू हुरारा कहते है कि रसुल्ला के पास एक शख्स को लाया गया जो शराब पिये हुए था आपने फरमायान तो करते हैं कि हमें से, बास ने उसे अपने हाथ से मारा बास ने जूते से मारा बास ने कपड़े से मारा जब मार चुके तो किसी ने कहा अखजाक अल्लाह अल्लाह तुझे रस्वा करे आपने फरमाया इस तरह के जुमले मत बोलो ऐसा मत कहो इसके मामले में शैतान की मदद न करो बल्कि कहो रहमल्ला तुम अल् पर रहम फरमाए यानी तुमसे ये या आदत छूट जाए फिर तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अपने भाई की मदद करो खा वो जालिम हो या मजलूम तो लोगों ने कहा यार मजलूम की मदद के बारे में तो समझ में आता है जालिम की मदद कैसे करें तो आपने फरमाया जालिम का हाथ पकड़कर यानी अगर कोई जुल्म कर रहा हो किसी पर तो उसको छोड़ना दो बल्कि जालिम का हाथ पकड़ लो ताकि मजलूम की मदद हो सके और जो मजलूम की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है और जो मजलूम की मदद नहीं करता अल्लाह सुबहान उस पर सख्त नाराज होता है तो अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान हमारी दुनिया और आखरत में हर तरह की मुश्किल में मदद फरमाए और हमें मुश्किल में घिरे हुए लोगों और अपने दीन की मदद की तोफीक फरमाए व आखरद आवाना रबीन